उज्जैन में हिंदुवादी संगठन की रैली पर हुए पथराव के बाद संतों में काफी आक्रोश है, जिसके चलते संतों ने आरोपियों पर रासुका और देशद्रोह की धाराओं में कार्यवाही की मांग की है और गृह मंत्रालय से मामले को अवगत कराने की बात कही है। घायलों का हाल जानने साध्वी नीरजा शरणार्थी, पीठाधीश्वर माँ सावित्री धाम बड़वानी एवं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज पीठाधीश्वर हिंदू आश्रम मुंबई अंतर्राष्ट्रीय संत समिति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहुंचे और उनका हाल जाना। दो दिन पूर्व उज्जैन में हिंदूवादी संगठनों की रैली पर उस समय दूसरे वर्ग के लोगों ने पथराव कर दिया था, जब वे रैली के रूप में एकत्रित होकर भारत माता मंदिर बैठक में जा रहे थे। हमले में कई कार्यकर्ता घायल भी हुए थे। मामले की जानकारी लगने के बाद संत समाज उज्जैन में जुटना शुरू हो गया है, जहां आज स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराजा पीठाधीश्वर हिंदू आश्रम मुंबई अंतर्राष्ट्रीय संत समिति राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साध्वी नीरजा शरणार्थी पीठाधीश्वर माँ सावित्री धाम बड़वानी राष्ट्रीय प्रमुख समरसता अभियान उज्जैन पहुंचे और घायलों से स्वास्थ्य की जानकारी ली। पीठाधीश्वर जितेंद्र नंद ने कहा कि इस प्रकार के हमले करने वालों पर शासन और प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए रासुका लगाए। वहीं दूसरी ओर जिला कलेक्टर और एसपी को शहर काजी द्वारा धमकाने के मामले में बयान देते हुए पीठाधीश्वर ने कहा कि शहर काजी पर UAPA के तहत राज्य सरकार कार्रवाई करे और उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर की जांच करे, ताकि उनका असली चेहरा सामने आ सके। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व हमला करने वाले लोगों के मकान चिन्हित कर उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई भी प्रशासन द्वारा की गई थी। अभी तक मामले में कई लोग को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? हम बस यही प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि UAPA की मांग करते हैं, क्योंकि ये खुली चुनौती दी गई है इस तरीके की हमारी समरसता की रैलियों को रोकने के लिए, और कई युवाओं की इसमें जान भी जा सकती थी, तो इस पर UAPA की कार्रवाई हम चाहते हैं। तो प्रकार से परिवार में भी फिर वो घटनाक्रम के बाद लगातार फोन वोन आया, धमकी दे रहे हैं इस प्रकार से, और नहीं तो शोषक मानसिकता के लोग हैं, हमेशा से शोषण ही कर रहे हैं। और जो भी कदम उठा रहे सख्त नहीं हो गुरु जी इन पे, तो फिर अपन की क्या बात, तो मतलब अपन आगे क्या करेंगे उसमें, स्टेशन पे बैठेंगे फिर करेंगे जी, क्योंकि राष्ट्रीय नहीं रहा तो फिर क्या अंदर किस प्रकार से राष्ट्रघातिक गतिविधि जब उज्जैन की इस घटना का हमने मीडिया में और अन्य सोशल मीडिया में अन्य माध्यमों से हमने देखा तो बड़ा दिल को दुख हुआ कि एक मानवतावादी सोच को लेकर के और देश के अंदर फिर से ऐसा राज्य जिसमें कोरोना वात्सल्य और दुलार की बयार बहे, उसके लिए कुछ हमारे देशभक्त युवा नौजवान साथी जब निकल रहे थे तो उन पर षड्यंत्रिक तरीके से पूरा आतंकी गतिविधि को अंजाम देने का कार्य किया गया। और आप उसमें देखेंगे कि वीडियो में पत्थर भी फेंक रहे हैं और अन्य ऐसी सामग्री फेंक रहे हैं जिससे लोगों का मौत हो सकता है। कुछ लोग अभी मौत से जूझ रहे हैं। संजीवनी हॉस्पिटल उज्जैन का है और तेजनकर हॉस्पिटल उज्जैन का, जहां पर बोले ICU में भर्ती हैं, काफ़ी लोग सिविल हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं, तीन हॉस्पिटल मैंने बताया। तो यह घटना एकदम से अंजाम नहीं हुई, ये पूरा षड्यंत्रिक तरीके से किया गया, क्योंकि इसमें जो हमारे एक फरियादी के तौर पर जो सामने आए वो है योगेश सांगते जी। योगेश सांगते जी पर पिछले एक वर्ष पूर्व जब CAA का विरोध में देश की संविधान को धता बताकर लोग सड़कों पर बैठे थे, तब योगेश सांगते जी ने कहा था कि सड़कों पर क्यों बैठे, तो उनको 2 घंटे में अरेस्ट करके और NSA लगाकर उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर रासुका लगाकर उनको ऐसी दुर्दांत परिस्थिति में डाल दिया था। और आज देखिए कि शहर के अंदर, उसी शहर के अंदर SP कलेक्टर के सामने खलीकुर रहमान जैसा एक आतंकी सोच रखने वाला व्यक्ति बोल रहा है
कि मैं गेम चेंज कर दूंगा। कौन सा गेम चेंज कर देगा ये? भारत के बाबा साहब परम पूज्य बाबा अंबेडकर साहब के संविधान को चेंज करेगा? कौन सा चेंज करेगा? वहां सब कानूनी लीगली कार्यवाही हो रही थी, उसको चेंज कराने की बात कर रहे? बाबर का दौर लाओगे, मुगलिया दौर लेकर के आओगे, औरंगजेब का औरंगजेबशाही लेकर के आओगे, क्या लेकर के आओगे, कौन सा गेम है? तो भारत सरकार से मैं इतना ही निवेदन करता हूं और आपको संक्षिप्त में यही बताता हूं कि इस पर तुरंत यूएपीए लगे। यूएपीए का मतलब पर्टिकुलर, इसको टेररिस्ट घोषित किया जाए। इसका पूरा का पूरा इकोनॉमिक पूरे के पूरे क्या सर्विलेंस कहां से कहां था, इसके तार जुड़ रहे, इसकी जांच की जाए। क्योंकि भारत के उज्जैन में महितपुर उन्हेल इस प्रकार का जो आसपास का एरिया है, यहां पर जितनी भी आतंकी गतिविधियां होती है, जब आतंकियों को पकड़ा जाता है तो आतंकियों के पीछे और आगे ये व्यक्ति दिखता है हमेशा, किसी ना किसी तौर पर यह धरना ले जाकर प्रशासन के ऊपर रिलीजन प्रेशर लाने की कोशिश करता है। एक धार्मिक सिंबल बनकर ये खड़ा होता है वहां, टोपी है और बिना मूंछ की दाढ़ियां लेकर के खड़ा हो जाता है वहां। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।